dundat banda la
अब करता सोता, अब करता काल करंता
करे। कबीर काल करंता अमै करे, अब करता सोता पछे कछु न होएगा, नैनो नी बहे तन खीना कछु न होएगा। नैनो नीर बहे तन खीना भय केस दुधवानी, रुद्राकंठ रुद्राकंठ शब्द नहीं उच्चरे कछु ना होएगा, रुद्राकंठ शब्द नहीं उच्चरे अब क्या करे परानी कछु न होएगा। अब क्या करे परानी पाछे कछु न होएगा, चार पाव चार पाव दोए सिंग गुंग मुख कछु न होएगा, चार पाव दोए सिंग गुंग मुख तब तब कैसे गुन गई है कछु न होएगा, तब कैसे गुन गई है उठत बैठत ठेगा पर है, उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मुंड लुकई है, कछु न होएगा। हर बिन बैल बिराने हुई है, फटे नाकन टूटे काधन, फटे नाकन टूटे काधन को दो को पुस गई है, सारो दिन सोलत बन महिया, सारो दिन डोलत बन मैया, अजू ना पेट अगही है, जन भगतन को कहो ना मन, अब ना भजस भजस कब भाई, जन भगतन को
कहो ना मानो। अब ना भजिस भजिस कब भाई आवे अंत, आरंभ ते अंत। जीवन एक लंबा सफर है, मनुख दूरों सफर करदा करदा आ रहा है। सियाने लोग जिथे जाना हुंदा है उत्थों प्रति फिक्रमंद हुंदे ने। सफर दे दो हिस्से ने, एक जिथों सफर शुरू हुंदा है, एक जिथे सफर समाप्त हुंदा है। ज्यों ज्यों सफर मनुख करदा है मुसाफर, उनका जिथों शुरुआत कीती है वह हिस्सा दूर चला जाता है, क्योंकि पिछे रह जाता है ना। हर पल विच मनुख अगे वधदा है, ते ज्यों ज्यों अगे वधदा है वह पिछला पड़ा जिथों चलिया सी उनकी दूरी बद रही होंगी, वह दूर चला जा रहा है। ते एक ख्याल करो, जेड़ा आने वाला पड़ा है वह हर पल बाद नेड़े आता जाता है। केड़ी अजीब घटना है, मनुख नू बाणी विच समझाया कई बार गया है कि जेड़ा पड़ा हाथ नहीं रहा उन्हें मुड़ तेरे हाथ नहीं आना, पिछे रह गए। ते एक पड़ा आने वाला है उनके प्रति फिक्रमंद हो, एक दूर अंदेशी किनू कहते हैं, अंदेशा कहते हैं फिक्र चिंता। ते जेड़ा मनुख आने वाले समय की पहलों चिंता करता है उन्हें की कहते हैं दूर अंदेश। दूर वाली चीज नू फिक्र विच रखना, पर जीवन एक ऐसा सफर है जिंदे विच ज्यों ज्यों सफर करता है पिछा दूर जाता है, उनके फिक्र का कोई लाभ नहीं होता। गुरबाणी अंदर ही बाबा फरीद जी ने एक गल आखी कह लगे, अग्गा नेड़े आया अग्गा नेड़े आया पिछा रहया दूर। जड़ी चीज जिथों सफर शुरू होया सी ओ सी बचपन, जन्म तो बाद बचपन, वो चला गया दूर चला गया। हुण मुड़ के वापस तो उस बचपन नू नहीं प्राप्त कर सकदा। ते बुढ़ेपा मौत दा सफर वो नेड़े आ रहा है, अजे दूर है। पर अजीब गल है मनुख उस नू दूर समझी बैठा है, फिक्र चिंता कोई नहीं। हालांकि गुरबाणी ने बार बार चेतावनी दिती है, कहने साई जाए समाल जिथे ही तो वंजना, जिथे जाना है जेड़ा आने वाला पड़ा है
जे आम रोजाना जिंदगी दे सफर विच जिथे ही तो वंजना जिथे जाना होवे उत्थों दा फिकर ज्यादा हुंदा भी उत्थे मेरे जान तो पहला के इंतजाम है किथे ठहरांगा कोई उत्थे मेरा अपना है कि नहीं है पर इत्थे एक दुखांत वापर गया है ओ एक अग्गे दा पता कोई नहीं एक बुजारत बन गई जीवन दा पिछला पड़ा थो निकल गया अगले दा पता ही कोई नहीं जन्म दा समा निकल गया मौत बारे पता कोई नहीं कदों है अज है कल है हुण है अजे देर है सवेर है गुरु ने इसे लिए बाबा कबीर जी दे एक शब्द विच एक गल आ गई बाबा कबीर जी ने आख दिता कह कबीर भज सारंग पाणी सारंग पानी आवत दिसे जदो मनुख ने आना सी उदो दिस रहा सी माता पिता नु पहला पता सी कुछ महीनों बाद गुआंढियां नु परिवार दे जीयां नु भी पता लग गया कोई जीव इन्हां दे घर आउण वाला है हुण तां तारीखां भी निश्चित होण लग पई या फिर भी मजबूत हो गए पर आउन दे जान दे बिल्कुल नहीं कोई डॉक्टर कोई निजूमी कोई ज्योतिषी आउन वेले दे क्याफियां दे ले किसे प्रूफ दी लोड़ नहीं वो अपने आप ही है किसे को लो ए प्रूफ मंगो कि मैं जाना कदों है गुरु ने एवं नहीं आख दिता कहन लगे आवत दिस आउंदा तो दिसद जात ना जानी और केडी अजीब गल है जिड़ी आउन दी गल है बहुत पिछे रह गई जरूरत तो सी ना जानन दी गल जिथे पहुंचना है उनके बारे मैनू कोई पता हो गए जरूरत तो उस गल दी सी जड़ी चीज हथों चली गई पिछे रह गई उनका हुण मैं की सवाल लवांगा बचपन तो पिछे रह गया ते उस पिछे रह गई चीज दा तेरे हाथ तेरे वस कुछ भी नहीं ते मौत जिहड़ी है अगला आने वाला पड़ा जिहड़ा है उनके बारे तेरे कोल कोई प्रूफ नहीं सतगुरु ने बाणी विच एक गल आखी कहन लगे मृत हसे सिर ऊपर मौत सिर ते खलोती हसदी है हसदी है कहती है केड़ा मूर्ख है मैनू पछाणदा ही नहीं लफज पशु वरते पशु तो भाव मूर्ख अनजान जिहड़ा जानदा कुछ कहन लगे पशुआ नहीं बूझे मौत सिर ते खलोती हसदी है कि जन्म कोई जरूरी नहीं सी मौत जरूरी है पुरातन साखी विच भी एक लफज आउंदे ने कि गुरु नानक ने बाले नू मरदाने नू भेजिया सियालकोट विच
ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿ ਦੋ ਪੈਸੇ ਆਟਾ ਕਾ ਲੈ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖੇ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਭਲਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਰਦਾਨਾ ਮੂਲੇ ਦੀ ਸਤਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਦੇ। ਮੂਲਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਗਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਲਮ ਹੱਥ ਲਈ, ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਡੋਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੇ ਮੂਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਖੂਬ 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 ਤੇਰੋ ਨਾਮ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਝੂਠ 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 ਦੁਨੀ ਗੁਮਾਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਖੀ ਪਿਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਣਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪੋਸੀ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਸਿਚੜੇ ਸਮੇਂ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਦਸ ਦਸ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਦਸ ਬਾਲ ਤਨ ਬੀਸ ਰਮਨ ਤੀਸਾਂ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੇ। 10 ਸਾਲ ਬਾਲ ਤੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਲਪਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਨੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ ਗਏ ਚਲੀ ਗਏ। 40 ਤੇ 50 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਬੁਢੇਪਾ,
चालीसी पुर होए पचासी पग खिसे सठी के बुढ़े पावे। उसे वक्त बुढ़े पिने आके कदम रखिया जवानी में चली गई। संभाल गया इन आखियो कोई वास्ता पायो कि मेरिया एनिया कीमती चीजा ले जाने वाले आ कदी मैनू कोई एक अद वापस भी कर नहीं करता। सब कुछ लग गया पर केडी अजीब घटना है। सतगुरु ने बाणी विच आख्या कि दिनस चढ़े फिर आथवै। यह जिंदगी है असी कदी ध्यान नहीं दिता। रोजाना जीवन वाल ध्यान देइए तो हैरान हो जाइदा भी दिन चढ़ता है शाम पै जाती है शामा तो बाद रात पै जाती है रात तो बाद फिर दिन चढ़ जाता है। मनुख दिनों की गिनती करे तो कदी सोचता है भी वह दिन जड़े ने महीने बन जाते ने महीने वरे बन जाते ने वरे गिनती कर जिंदगी बन जाती जीवन चला जाता। मनुख वो दिन तो रात की गिनती नहीं करता। गुरु ने बाणी बचा के दिन चढ़े फिर आथवै। आथवै का मतलब शाम पैनी रात पैनी अपने पंजाब पिंडां दी बोली है ना आथन हो गया आथवै। दिन चढ़े फिर आथवै रैन सबाई जाए रात भी गुजर गई आव घटे। इं रात ते दिन करके आव घटे उम्र घट रही है नर ना बुझे। आदमी समझता ही नहीं कदी इन चेता ही नहीं आया भी कल रात पई सी अज फिर रात पै गई है कल दिन चढ़िया सी अज फिर दिन चढ़िया है भला मेरा कुछ नुकसान भी होया है। क्योंकि इन्हें उस नुकसान नू अपनी गिनती विच ही नहीं रखिया होया क्योंकि वह बहुत पिछे रह गए। तो जिहड़ी चीज पिछे रह गई अग्गा नेड़े आया पिछा रह आ दूर। ते जदों समा बीत गया फिर पिछा जिहड़ा दूर चला गया उहदी कुछ रिकवरी होएगी। हुण बाबा कबीर जी ने अज इहो चेतावनी दित्ती कहन लगे चंगी गल इह है कि जो कुछ कल ते छड रहे हो अजे कर लै नहीं ते पिछे चला जाएगा। ते जेड़ी चीज पिछे चली जाएगी उन्हें तेरा कुछ नहीं सवारना पाछे कछु ना होएगा। जेड़ी चीज पिछे चली गई वो तेरा की सवारेगी। काल करंता अभय कर अभय कर। मैं हैरान हुंदा जदों नेड़े दी जिंदगी वाल निगाह मारना लफज बड़े खूबसूरत लगते ने पढ़न विच सुनन विच कि सिर पर आवे काल पाछे कछु ना होएगा। जदों मौत सिर ते आ जाएगी ते मौत नू तू पछाणना उस ते आई खड़ी है इस वेले मौत दे ग्रिप विच है। सच्चाई है तू मौत नू पछाण नहीं रहा तू केवल शरीर दी मौत नू पछाणना है। उसे मौत ते आधारित ही तू अपने किसी मित्र दोस्त दा विछोड़ा तय करना है। उसे मौत तो तू आप खुद डर रहा है ते जेड़ी असल मौत सी ओ सी शरीर दी नहीं जमीर दी। गल अज तुहाडे नाल सांझी करना चाहना। असल मौत है जमीर ते शरीर तो आना है ते चला ही जाना है वो तू रोकिया भी नहीं रोक सकता पिछे रह गया। ते जमीर दी मौत दी ग्रिप विच तू है इस वेले। पर अगली अगला श्लोक जदों नाल जोड़ के पढ़ना ना ते हैरान हो जाना उत्थे की लफज कहे ने कहंदे ने मैं ये गल इनू बड़ी समझाई
कि जमीर दी मौत तो बच। एक बार कीती सी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का नवे महले के श्लोकों में एक श्लोक है, इत्थे बस नहीं, जिथे बाबा गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, कहते हैं चिंता नहीं करनी, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए, पढ़ने भाव इस संसार मौत का रस्ता, जीवन तो मौत का सफर एक संसार का सफर है, हर किसी ने यह सफर तय करना है, इसलिए इनकी चिंता ही ना कर। शरीरक ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई, इत्थे हमेशा कोई नहीं रहिंदा, चिंता ना कर। पर किड़ी अजीब गल है, ओहो गुरु तेग बहादुर साहब इत्थे कह रहे ने चिंता ना कर, ते ओहो गुरु तेग बहादुर साहब का दूजा शब्द है जिंदे विच ये गल कहिंदे ने, पै मरबे को बिसरत नाहिण तैं चिंता तन जारा, क्योंकि सानू गुरबाणी विचों ये गल समझनी पैंदी, कहिंदे ने मेरे हिरदे विचों मौत का भय जा ही नहीं रहा, दिन रात मैनू मौत का भय ही खाई जाता है, कितने मर ना जावा, कितने मर ना जावा। देखियो दोनों चीजा गुरु तेग बहादुर साहब ने सानू इहदे विचों कुछ लभना है। उत्थे आख रहे ने चिंता तंग कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए, चिंता ही ना कर, ये तो संसार का रस्ता है, दुनिया का हर मनुख इस रस्ते चले है तो उस पड़ा ते पहुंचे है जिन्हों मौत का पड़ा कहते हैं, चिंता ना कर। ते केड़ी अजीब गल है, ओहो गुरु तेग बहादुर साहब अपनी बाणी में दूजे शब्द अंदर ये गल कह रहे हैं, कहते हैं भय मरबे को बिसरत ना है, मौत का भय डर विसर नहीं रहा, मैं कोशिश करना कि मौत का भय डर चुका दिया, पर चुकता ही नहीं, उथे भी लफज चिंता है, अगे भय मरबे को विसरत नाहिन ते चिंता तन जारा, बस उस चिंता ने ही मेरा ये शरीरिक जीवन जेड़ा है उन्हें सारा जीवन इसे काम विच ला दिता है कि मेरा मौत दा जेड़ा मैसेज है ना वो चिंता मौत दा डर खत्म हो जाए, ते ओ किस मौत दा कि शरीर मेरा सारा भावे जीवन इस गल ते लगा होया है मेरी जमीर दी मौत ना हो जाए। ये शरीर की मौत का मसला हुंदा ते चांदनी चौक वाल तो आप गुरु तेग बहादुर साहब चल के गए ने, शरीर बचा सकते सर, ये शरीर की मौत का डर हुंदा गुरु तेग बहादुर साहब नूं, ते शहीदी लई चांदनी चौक आप चल के गए ने आनंदपुर साहब तो, जे शरीर की मौत का डर हुंदा ते ए डर तो औरंगजेब हरक नूं दिखा रहा सी, जिहड़े नाल कह सन भाई मती दास भाई सती दास उन्हां दे सामने भी इहो सवाल सी शरीर की मौत का, ते भाई मती दास सती दास भाई दयाला उह नहीं डर रहे, ते भला गुरु तेग बहादुर साहब यह गल आख सकते सन कि भाई मरबे को बिसरत ना है, कि गुरु आखदा नहीं मैं सिद्धांतक मौत जिहड़ी निरपैता है जिहड़ी आखदी है भय काहू को देतने ने भय मान त्याण ने भय मान त्याण,
मैं किसी नूं डराउंदा भी नहीं, मैं किसी कोल डरदा भी नहीं। यह है जिउंदी जमीर दी निशानी। ते इस जिउंदी जमीर नूं हमेशा जिउंदा रखण लई शरीर दी आहूति दित्ती जा सकदी है, क्योंकि शरीर ने तो जाने ही जाना है। पर गुरु कहंदे ने केड़ी अजीब गल है, एक गल मैं बड़ी देर तो लोगों नूं समझा रहा बाणी अंदर कि भलियो जमीर दी मौत ना मरियो, शरीर नहीं तो चला ही जाना है। अगले श्लोक दा लफ्ज बड़ा खूबसूरत है, पर कहन लगे मैं देखिया कि इस संसार विच बहुते लोग ओ ने जेड़े मेरी गल तो कोई समझ ही नहीं लेंदे, अजे तक उस शरीर दे दुआले ही पै घूमदे ने, ते ओह जिहियां जमीर दी मौत दे जो जेड़े सामने मैसेज ने उहनूं उहदे तो बेखबर हो बैठे ने। अज साडे सामने शरीरक नहीं जमीर दी मौत दा मसला है। रोज ए जेबां नूं बनने जा रहे ने, अज ही देख रहे मेरे सामने वो समा आउंदा है जदों दास सेवा विच सी, सेवा विच सी, उदों भी कोशिश सी कि किसे तरह इस कौम दे सिद्धांत नूं खत्म किया जाए, ते तां ही खत्म हो सकदा जे पहला इनूं कमजोर किया जाए। ते कमजोर लई जरूरी है कि इनदे अंदर जिहड़ा गुरमुख दा शक्तिशाली विश्वास है वह कमजोर पै जाए। गुरु तेग बहादुर साहब दा लफ्ज़ सी जिन्हों मैं धराया सी हुणे, ते मैं किसे नूं भय दिंदा भी नहीं, ते किसे दा भय मनदा भी नहीं। साडे सामने भी हो मसला सी, पर एक ख्याल करियो जिस कौम ते जुल्म करना होवे ना, जिस आदमी ते जां जिस मनुख ते जुल्म करना होवे उहनूं पहलां दोषी ठहराना बहुत जरूरी हुंदा है, फिर कोई उनका हमदर्द नहीं होंदा। तुसीं किसे राह जांदे आदमी नूं भी फड़ लो ते चोर चोर आके फड़ो, ते भावें 10-20-50 आदमी चार चफेरे खड़े होण उहनां दे सामने उहनूं मारना शुरू कर दिओ, उह भी चार मार जाणगे, उह तुहाडे कोल पुछणगे, प्रूफ नहीं लैणगे कि चोर है कि नहीं, उहनां कोल कहिंदा प्रूफ, उहनां चोर चोर आख दित्ता तुहानूं पता लग गया है चोर है। हुण ये हमदर्दी का पात्र नहीं रहा, बस यो हालत अज उस धरती ते साडे नाल हो रही है, उदों भी हुई है, 84 के दरमियान विच भी हुई है। नौजवानों कोलों ओ कम उन्हां दे नाम ते उन्हां दे चेहरियां विच उन्हां दी शकलां विच ओ कम कराए गए ताकि इन्हां नूं आसानी नाल पुलां ते मार दिता जाए, ते कोई इन्हां दा हमदर्दी भी ना करन वाला हो। ये नहीं कि होए नहीं, गुनाह होए नहीं, लेकिन गुनाह किन्ने कीते ने जिन्हें सानू बदनाम करके मारना सी, उंदी असी पछाण नहीं कर सकते। हर मोड़ ते राजनीति सानू बर्बाद कर रही है। हाँ हो नहीं लै लो, 15 दिन पहला कश्मीर नाल होया, उथों दियां बच्चियां उथों दियां धियां भैणां दे संबंध विच कबूल बोले गए। सिख दी हमदर्दी भरी वह दास्तां, वह जिहड़ी जी सोच सी वह उभर के सामने आई। उन्होंने हमदर्दी, क्योंकि आखिर तां गुरु दा सिख है ना, हुण उन्हां सोचिया भी इस गल नूं किवें तोड़िया जाए, ते इकट्ठे हो जाणगे। इन्हां दिनां अंदर ऐसा हो रहा सी,
पता नहीं की कारण है, हर समय ऐसे भरम भुलेखे क्यों पाए जाते हैं। बल्कि मैं एक हड बीती साझी करना चाहना इस संबंध में। 84 के दरमियान सेवा काल के दरमियान उजागर सिंह सेखवां मुखी अकाली लीडर सन, बजुर्ग बड़े भले सुभा के सन। उन्होंने मन में भी यह ख्याल सी कि जे अज इस्लाम साढ़े नाल खड़ा हो जाता औखे वेले, जो हालात साढ़े वापरे ने, जे साढ़े नाल खड़ा हो जाता तो साड़ी शक्ति बन सकती सी। वख वख करके सानू सारिया नू मारिया जा रहा है, सानू इकट्ठे होना चाहिए। मैं तुहानू एक एग्जाम्पल दे रहा पुरानी जिहड़ी मेरे नाल हड बीती है। उदों अब्दुल्ला बुखारी जी, मैं नाम इसलिए जाना क्योंकि जिहड़ी हड बीतियां ने, अब्दुल्ला बुखारी जी जिहड़े मौलाना सन दिल्ली दी मेन मस्जिद दे उन्हें कोशिश की भी किसी तरह मीटिंग हो जाए, तो उन्होंने जाके मिलिया। कह लगा भी वह कह लगे जे अज आप हूँ मिलेंगे जथेदार नूं तां वक्त की सरकार के कन्न खड़े हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल है सानूं, असीं मिल नहीं सकते। फिर फैसला यह होया भी चलो फतेहगढ़ साहब उन्हों का भी मकबरा है तो साडा भी अस्थान है, साढ़े जथेदार भी आ जाएंगे फतेहगढ़ साहब, तो तुम भी उत्थे आ जाओ, उत्थे मीटिंग का इंतजाम कर लेंगे। लो उत्थे मीटिंग हुई। मैं कोई लुका नहीं, मैं अपनी गल जिन्हें चीज़ों के सबूत सामने। उत्थे मीटिंग हुई, अब्दुल्ला बुखारी जी आए, फतेहगढ़ साहब के अस्थान ते दोनों धिर असी बैठियां। मैं उन्होंने सामने एक सवाल रखा कि बुखारी जी अज साढ़े नाल हुई है, तो जो साढ़े नाल हुई है हो सकता है इस तरह सुखी वसद्या एक आजाद देश के दे वसनीक अखवाद्या हो साढ़े पूरे इतिहास 500-600 साल के इतिहास में ऐसा समा ना आया हो, ते जिहड़ी साढ़े नाल होई है तुसा भी देखी है, किसे वक्त तुहाडे नाल भी हो सकती है क्योंकि तुसी भी घट गिनती विच हो। ते जे अज इस्लाम जिहड़ा करीब उदों असी 12 करोड़ समझदे सां, मैं आखिया जिहड़ा करीब 12 करोड़ है, असी तां पौने 2 करोड़ ही हां। ते तीजे ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਰਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ कि कभी भी सानू इकट्ठा नहीं होन दिता गया। मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल बनू, अब्दुल्ला बुखारी जी का जवाब बड़ा रुखा सी, हुण तां चले गए, कहन लगे सिंह साहब भी तुसी सानू 12 करोड़ उन्हां दे कहे मुताबिक उन्हां दी गिनती विच लिखदे हो दसदे हो, असी 12 करोड़ नहीं असी 20 करोड़ इत्थे बैठे हां, इह उन्हां दे लफ़्ज़ असी 20 करोड़ बैठे हाँ, तो इन्नी तैयारी विच साढ़े वाल मूँह करके देखण, असी तुहाडे तरह इन्हां दे मुहताज नहीं बैठे, इसलिए असी काले नहीं तुहाडे नाल जुड़ के कोई अपने आप बैल मुझे मार वाले फिक्र विच आ जाइए। मैं भी बड़ा हैरान होया भी साथ देने की बजाय यह जवाब मिले। कुछ समय बाद ही बाबरी मस्जिद में जो कुछ होया वो सामने आया,
लगातार गुजरात विच इस्लाम नाल जिहड़े जुल्म होए ओह इतिहास दा पन्ना बन गए। हुण कश्मीर नाल जो होया ओह तुहाडे सामने आ पिछले दो हफ्तां दी गल है। तो मेरे कहण दा मतलब जिहड़े लोग नहीं इकट्ठा होण दिंदे देना चाहते क्यों नहीं होने देना चाहते। मैं सिर्फ अज की कहानी नाल सिंह सिख जिथे जिथे बैठा है उन्होंने एक मैसेज देना चाहना। भला सोचो जी कहानी अज साडे सामने ज्यादा पोस्टां पाईया जा रही हैं वो है पाकिस्तान विच एक हैड ग्रंथी की बच्ची का नका किसी मुसलमान नाल होना। अजे तक फैसला यह नहीं हो सकता कि सच्चाई की है क्योंकि एक पासे उनके माता पिता की इंटरव्यू है, एक पासे उस अपने घेरे में ले जा के दिती गई इंटरव्यू है, किसी की ग्रिप विच किसी की कैद विच इंटरव्यू देना होर गल है। मैं तरस करा असी अज भी मनने कि जेड़ा कैदी होवे उनका बयान बाहर कभी भी मनिया नहीं जाता क्योंकि जोड़ा कैद में है जोड़ा उनके को अंदर भावें उनकी थान पर कोई बयान दे दौ तो भावें उनके को जबरन डरा धमका के बयान दवा दौ पर चलो साढ़े सामने दोनों चीज़ा ने। पर केडी अजीब घटना है कल कोई सिख नहीं सोच रहा इस किस्म के बयान का कि पता नहीं साढ़े च कमजोरी क्यों आ गई है। असी समझते हाँ पोस्ट पाउन नाल बयान देन की एडी कारी करो कि मैं पिछे न रह जाव मैं पिछे न रह जावियो कभी यह भी सोचा भी हूँ कश्मीर का मसला उन्होंने सामने है तुसी उन्हां दियां धीआं भैणां दी इज्जत आबरू दे संबंध विच राखे बन के साबित कीता है भी साडे भरा ने साडे नेड़े ने साबित कीता। उन्हां दी नेड़ता दा इजहार करन वालिओ तुहाडी इह नेड़ता उन्हां नूं पुजदी इह की कारण है कि इन्नी देर तो सिख पाकिस्तान विच रह रहा है उत्थे पी जी पीस भी बने उत्थे गुरद्वारे भी तुहाडे हवाले होए उन्हां गुरद्वारियां विच दर्शन मेले दी तुहानूं खुल्लियां छुट्टियां भी मिलियां। की कारण है यह जिहड़ा विवाह है यह उदों ही होना सी जदों कश्मीर दा मसला सी पहला ना होया। सिख बीबियां कोई अज दियां उत्थे रह रहियां ने सिख परिवार कोई अज दे उत्थे रह रहे ने ये विवाह तो ये काम अज ही क्यों होया जदों कश्मीर का मसला है तो जदों सिख तो इस्लाम नेड़े आ रहे हैं। मैनू अजे तक याद है जदों पहली बार मैं गया उत्थे जदों पी जी पी सी का अनाउंस होया मैनू पाकिस्तान ने बुलाया क्योंकि एस जी पी सी ने बाइकाट कर दिता सी। सारे सबूत मैं अपनी किताब विच भी लिखे ने सारिया फोटो पईआं होईआं उस टाइम तो मैनू एक उलांभा मिलिया मैं उन्होंने उलांभा दते भी तुसी सानू औखे वेले की कम आए चल जा चढ़ जा बच्चा सूली राम भली करेगा हथियार दे दिते साडे नौजवानों नू लो भी मरो मारो ते आप तुसी कोई आवाज ना दिती ते उन्होंने बदले विच मैनू उलांभा की दिता कहन लगे सिंह साहब तुसी कड़ी साडे नाल भली कीती जिन्नियां मसीतां सन वो सारे गुरद्वारे बना के साडे कोलों खोह लईआं। एक चीज़ अज तक तुसी जिस तुहाडा ढाडी भी किसी स्टेज ते खड़ा हुंदा है ते एक कोई गल कही जांदा भी इस्लाम साडा दुश्मन उहने साडे ते आ जुल्म कीते उहने साडियां कहानियां ही पाई जांदा। मैं आखिआ ऐसी गल नहीं जेड़े समझते ने कि इस्लाम नालों ज्यादा दुश्मन कौन है जिन्हें हुण तक मिलन नहीं दिता। जे इस्लाम का सीधा मसला होवे ते साडे सामने इतिहास विच बड़ा कुछ ऐसा है जेड़ा इस्लाम नाल गुरु का प्यार है। मरदाने की गल छड़ दिओ पलाबत बहुत पहला दी है पीर बुद्धू शाह की गल तो साढ़े सामने है ना जिंदे दो साहबजादे भी शहीद होए जिंदा 700 मुरीद भी शहीद होया गुरु साहब के जंग विच गुरु साहब नालों
कि गनी खान नबी खान साडा इतिहास भुल जा। कहन लगा भी जे तुसी इस गल नू समझदे हो भी साडे नाल किन्ने कीती है तो फिर ख्याल करो इस दे उत्ते कुछ लिखो। मैं किताब लिखी वो इत्थे मेरे कोल मौजूद है, किसी ने वीर भैन ने पढ़ने वास्ते लैनी होवे लै सकदे। इस विषय ते कि इस्लाम ते सिखी दा आपस विच सुमेल किथे है। पर एक ख्याल करियो, मैनू वो किताब हिंदुस्तान विच छपवा के हिंदुस्तान तो बाहर ले जाण दी मुश्किल बन गई, क्योंकि मैं चाहता सा एक किताब रिलीज की जाए ननकाना साहब तो जाके। मैनू उनका हैडिंग बदलना पिया। पहला हैडिंग सी सिखी ते इस्लाम, फिर उनका हैडिंग बदल के ताकि उत्तों पढ़ के बहुत परेशान ना होन, उनका हैडिंग रखिया कि सांझ करी जाए गुणा के लिए। गुरबाणी की लाइन लिख के उनका हैडिंग बनाया कि सांझ करी जय गुणा कहरी। साड़ी तो गुणा भी किसी नाल सांझ है, होर साड़ी गुणा करके नेड़ता है। उनके आधार से सारी वो किताब लिखी, वो मेरे को मौजूद है। तो मेरे कहने का मतलब कभी भी इस गल लई ओ लोग जिहड़े सानू अड अड करके जिहड़े सानू घट गिनती नू आपस विच मिल के बैठन लई कदी भी समा नहीं देंगे, उन्हां लोगां दीआं इह गल्लां ने काले पैण वाली गल नहीं। ये मैसेज मैं इसे स्टेज तो सारी दुनिया विच बैठे सिखां नू देना चाहुंदा सां वी भरिओ काल ना करो। एडे एडे सख्त लफज एक रात विच तुसीं देने शुरू कर दित्ते, कि जिमें साढ़े इतों तक लफज वरत दिते गए कि सिख जी कश्मीरियों के नाम से इन्ना धेह इन्ने प्यार विच आ गए सन कि हुण तां अपनियां लड़कियां दे डोले भी देण लई तैयार हो गए ने। यह लफज वरते जा रहे हैं ताकि सिख एकदम उत्तेजित हो जाए कि इस्लाम के प्यार विच हुण इतों तक वध गए ने कि अपनियां धीआं दे डोले देण लग पए ने। ओ भरिओ हमेशा दुश्मन की सोच ते चाल समझो। वो कभी भी इस मिनोरिटी नूं इकट्ठा नहीं होण देगा। जे तुसी मदद की कश्मीरियां दी तां उन्हां नूं ये महसूस होया भी इन्हां नूं दूर किवें कीता जाए, तुसी उदों भी काले पै गए। काम करना कुछ होर गल है, ते उस तों इलावा लगातार पोस्टां पा के अपना कम्मां दा दिखावा करना कुछ होर गल है। यह गल साडे संघर्ष वेले भी हुई। मैनू अजे तक याद है, मैंने जो उन्हां नूं बिठा के एक दिन मीटिंग विच करदे आ दरबार साहब एक गल कही सी। मैं कहा सिंगो गुरु दसम पातशाह जी दे वेले पिस्टल नहीं सन, गुरु दसम पातशाह जी वेले तोपा नहीं सन, सब कुछ सी, पर उन्हें तुहानूं अमृत छकाण तो बाद ककारां विच कृपान क्यों दित्ती। आप सारी जिंदगी विच इन्ने मैदाने जंगा विच गुरु दसम पातशाह जी ने किसे थां ते बंदूक नहीं चलाई, पर की है वह भी अंदर बैठ गए चलाई नहीं, मैदाने जंग विच नहीं चलाई, मैदाने जंग विच तीर चलाए नहीं। जे गढ़ी दे उपरों भी चलाए ने, चमकौर दी गढ़ी तो तीर चलाए ने। गुरु अपनी हथी तीर चलांदा है, तुहानूं किरपान दिंदा है कि बाकी हथियारों ने छुपा के क्यों रखे है। मैं कहा ये गुरु का सिद्धांत समझो, क्योंकि बाकी जिन्ने हथियार ने वो बोलदे पहला ने कम बाद करदे ने। ठा दी आवाज पहला आएगी, सकिंट बाद गोली पहुंचेगी। वो सारे हथियारों ने जिहड़े बोलदे ने काम करन तो पहला, एक किरपान ते तीर वो है जिहड़ा काम करदी है बोलदी नहीं। तीर आंदा है भज गया, पता नहीं किधरों आया है, ना किरपान बोलदी है ना तीर। वो मैं क्या बोलन नालों काम करन दी आदत पाओ। तुसी तां आ हुण जे मसला आया कश्मीर दा ते तुसी तां ज़्यादा बोलना शुरू कर दिता, जे मसला आया बच्ची दे उत्थे निकाह दा तां ज़्यादा बोलना शुरू कर दिता। भरिओ काले ना पाओ, पछाणो साडे सिर ते मौत खड़ी है ते किस रूप विच खड़ी है। साडा अपना ज़्यादा बोलना
आपसी एकता नू टुकड़े टुकड़े कर देना, साड़ी आपसी एकता भी टुकड़े टुकड़े इसे गलों हो रही है। असी गल्लां ते कर रहे हैं भी कौम नू एक होना चाहिए, एक एक दूजे के खिलाफ असी मिनट नहीं लाउंदे पोस्टां पाउण लई, एक दूजे के खिलाफ ब्लेमबाजी करन दे लई एक मिनट नहीं लाउंदे। असी नहीं सोचते भी भले ओ ये चीज़ ही तो दुश्मन चाहुंदा है किसी तरह साड़ी एकता ना हो। ते जिन्नी देर असी इस मौत रूपी चाल नू नहीं समझांगे, समा बीत गया वो मौत सिर ते हस रही है असियों दी ग्रिप विच्चा ते असी उन्हूं पछाण नहीं रहे। ते एहो गल बाबा कबीर जी ने आख दित्ती, कहन लगे मैं देखदा की हाँ कबीर ऐसा जंत एक देखिया जैसी धोई तो लाख। अगे अगले पासे कहन लगे मैं देखदा की हाँ कि दिसै चंचल बो गुणा, बड़ा चंचल है, बड़ा काला है, बड़ा यूं साबित करता है कि मेरे जिन्ना सियाना कोई भी नहीं, पर है मत ही ना, मत इन नहीं सोच रही, अकल इन ये नहीं आ रही कि इस मौत जड़ी सिर ते मंडला रही है इन्दे तो किवें बच के निकलना है। बाबा कबीर जी ने यो गल आखी, कहन लगी दिसै चंचल बो गुणा, दिसै चंचल बो गुणा मत ही ना नहीं संभालेगा, जे हुण सिर ते खलोती हुई इस साजिशकारी मौत नू नहीं पछाणेगा, नहीं समझेगा, ते फिर निकलिया होया हथों समा वापस नहीं मिलना। पाछे कछु ना होएगा जो सिर पर जो सिर पर आवे काल, जो सिर पर आवे काल। पलियो गुरबाणी दी ओट विच कुछ गल्लां तुहाडे नाल ना चाहुंदिआं वी सांझियां करना, इस लई क्योंकि ये गल इत्थे ही नहीं रह जांदी, हुण मीडिया राहीं देश विदेशां विच सिख तक पहुँच जांदी है। दुखांत जिंदा हो सकदा है, असर दा सानू भी अजे तक पता ना होवे, पर एक ख्याल करियो जिस दिन बाकी समा भी लंघ गया फिर कई गल्लां साढ़े सामने आउणगियां। बच्चियां दे ही लै लो, मैं कई बार सोचना, मैं कहना मन लो असी दो हिस्सों में खड़े हाँ भी उस बच्ची ने यह आख्या, मैं भावें डरी हुई ने क्योंकि उनके माता पिता ने क्लीयर कर दिता कि किस तरह चुक के लैके गए ने, पर चलो मान लो, तो फिर वो कमजोरी किंदी है
इसे कौम विच शरण कौर पैदा हुई ने, इसे कौम विच सरदार हरी सिंह नलूए वर्गे पैदा हुए ने। जे बच्चियां नू आज असी बेफिक्र हाँ, इत्थे भी इन्हां देशां विच भी निरा उत्थे नहीं हो रहा, इन्हां देशां विच भी आए दिन ये कुछ वापर रहा है, क्योंकि असी बच्चियां नू ये समझा ही नहीं सके कल्चर ते धर्म का अंतर की है। ये जरूरत है, मैनू अजे तक याद है कुछ साल पहला जो कैंप लगता सी, बच्चिया ने इत्थे सवाल खड़ा किया सी कि जे धर्म सारे एक ने तो असी किसी पास भी विआह करा लीए, सानू इत्थे सवाल पैदा होया सी। नतीजा निकलिया तुसी जानते होवोगे, रघुवीर सिंह सरब समागुनी जिन्हां दा गुरबाणी चैनल ते हफ्तावारी प्रोग्राम चलता सी, उन्होंने दस से यह सवाल किया, उत्थे वीडियो टेप बनी हुई अजे तक पई हुई है। मैं बल्कि कढ़वा के दोबारा लवाना चाहना, जिहड़ा इहो ही मसला सी कि बच्चियां जां बच्चियां दे हिरदे विच इह क्यों आ रहा है, क्योंकि असीं उन्हां नूं इह समझा ही नहीं सके धर्म ते कल्चर विच की अंतर है। धर्म बहुते नहीं, धर्म विच विगाड़ भी नहीं पैदा हुंदा, धर्म कभी नुकसान भी नहीं करता, जदों भी करता कल्चर करता, क्योंकि कल्चर वक्रे वक्रे होंदे ने। ते पता ना धर्म का समझते ने बच्चे, पर नतीजा निकलता जो किसी दूजे कल्चर का अफेक्ट होंदा उदों फिर सारी जिंदगी का पछतावा कोल रह जाता। कल्चर कभी भी एक नहीं होंदा, कल्चर कभी एक नहीं होंदा, धर्म एक होंदा है। कि इस्लाम का सच ते सिख का सच, सच तो सच है, धर्म है ना, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। जी मुसलमान सच बोले तो सिख सच बोले उन्हें कोई फर्क हो सकता, पर इस्लाम दे कल्चर विच साडे कल्चर विच अंतर है। वो है बोली, खाना, पहनना, जीवन की शैली, शरीरक जीवन की शैली। वो जदों कुछ समय बाद साडे सामने बदलवी आउंदी है बच्चियां नूं, जो वो दुख ते तकलीफां सामने आउंदियां ने उदों उस वक्त फिर पछतावा ही पल्ले पैंदा है। मैं इस विषय ते वो वीडियो टेप भरी हुई है, मैं चाहना एक बारी फिर लियावां कि कल्चर ते धर्म विच की अंतर, ये सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं, साडे बच्चों ते भी हो रहे हैं। अज असी पाकिस्तान विच एक निकाह दे संबंध विच इन्ना वड्डा कुड़ाम खत्म उठा रहे हैं, नहीं होना चाहिए सी, पर इन्दे पिछे कोई साजिश खड़ी है जिन्होंने कश्मीर दे इस मसले नूं कमज़ोर करन वास्ते सिख ते इस्लाम दे नेड़ता दे दरमियान एक दीवार खड़ी करन वास्ते ऐसे ही दिनां अंदर ये चीज़ पैदा क्यों की। और वो लोग भी उन्हां दे ही पैदा किए होंदे ने जिहड़े दिन रात फिर पोस्टां पा के उस गल नूं उत्तेजित करदे ने। पर इन्दे विच्चों असीं ये भी सिख्या लैणी कि असी अपने बच्चों नूं धर्म ते कल्चर दे संबंध विच समझा सकीए, वो चीज़ां इत्थे भी पैदा हो रही ने, तुहाडे सामने भी आ रही ने, साडे सामने भी आ रही ने। जे अज असी नहीं संभलांगे ना असी अपने बच्चों नूं समझा, प्रैशर नहीं, प्रैशर नाल बच्चों नूं इस जे तुसी कंट्रोल नहीं कर सकते, इस मुल्क विच समझा के उन्होंने सामने सच्चाई रखो, उन्होंने सामने उन्होंने भविख स्पष्ट करके गुरबाणी राही ते कल्चर राही रोजाना जिंदगी राही सामने रखो, ताकि वो आप समझ लैन कि ठीक की है ते गलत की है। सतगुरु बख्शिश करे साडा भी जीवन सुरक्षित होवे, उन्हां दा जीवन भी सुरक्षित होवे, ते होवेगा गुरबाणी की अगवाई विच जिहड़ी गुरबाणी बच्चियां नूं शरण कौर दे रूप विच पैदा कीती जा सकदी है, जिहड़ी गुरबाणी दे राही इत्थे हरी सिंह नलूए वर्गे पैदा हो सकदे ने, तां किस ना सानू उलांभा रहे ना उन्हां नूं उलांभा रहे। इन्हां लफ्ज़ां नाल खिमां दा जा चेका फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।